कर। सर की प्लान किया गया अज कि रैली कटी जा रही लच्चर ते भड़काऊ गाणे दे खिलाफ असी लोगों जागरूक करन दे लई अमृतसर शहर दे विखे मार्च कढ़न लगे हैगे आ। साडे को बहुता रियाज तो होना नहीं, लंबी तपस्या तो होनी नहीं संगीत की, असी रातों रात फेम लैना आ, उहदे वास्ते असी सब कुछ ला दईए, मतलब इज्जत शर्म सब कुछ ला के जिहड़ा काम चल रहा हैगा आ। की देखते हो कि कॉलेजों विच भी कुछ इदां दा प्रोजैक्ट जो है दिखाना चाहिए सरकार नूं कि लोग जिहड़े पढ़न जांदे ने पढ़न ही जाण ना कि ये सारे काम करन। टीनेजर होए सी असी, वो दौर इदां दा नहीं सीगा, लगभग 15 साल दे विच विच अज देखो कि यूथ कॉलेजों के यूथ फैसटिवल के नाम से सरेआम भड़काऊ तो लच्चर गाने बदमाशी वाले गाने चल रहे होंगे। सत श्रीकाल सारे, तुम देख रहे हो डिफा चैनल पंजाबी, तो मैं हाँ वंश कंवल। इस वक्त असं मौजूद हाँ अमृतसर के कंपनी बाग विखे जिथे कि YPSS एक संस्था वालों जो है कि अज रैली कढ़ी जा रही है। तुहानू लाइव तस्वीर दिखावांगे जिथे कि नारे लाते हुए नज़र आ रहे हैं। एक सेंसर बोर्ड की मांग की जा रही है जो कि गाने आ रहे हैं उसके करके, जो कि जो अश्लील गाने बोलते हैं, गन कच्चन प्रमोट करते हैं, उसनों लैके जो है कि गाने कटे जा रहे हैं। उसके चलते जो है कि सारे युवा लोग जो ने कि अज अमृतसर के रैली कढ़न गए, गलबात करेंगे, जानेंगे कि अज सर की प्लान किया गया तुहाडे वल्लों, अज कि रैली कढ़ी जा रही है। ये जी युवा परिवार सेवा समिति YPSS वालों ये रैली कढ़ी जा रही हैगी है, जिदे विच लच्चर ते भड़काऊ गाने दे खिलाफ असी लोगों जागरूक करन दे लई अमृतसर शहर दे विखे मार्च कढ़न लगे हैगे आ। जिवें तुसीं पिछले दिन वेख्या होना आ, पिछले कुछ अरसे तो कुछ सालों तो एक रीत चल पई है कि गाणियां दे विच गाना प्रमोट हो रही ने, बदमाशियां प्रमोट हो रही ने, कब्जे लैने प्रमोट हो रहे हैं, जिदे विच आपां प्रमोट कर रहे हैं अश्लीलता नूं, नंगे नंग पुणे नूं, मॉडलों के कपड़े ला ला के उन्हां नूं पेश करते हैं, सिर्फ इस करके कि सानूं शोहरत मिल सके, असी मशहूर हो सकीए, साडे को बहुता रियाज तो होना नहीं, लंबी तपस्या तो होनी नहीं संगीत की, असी रातों रात फेम लैना आ, उहदे वास्ते असी सब कुछ ला दईए, मतलब इज्जत शर्म सब कुछ ला के जिहड़ा काम चल रहा हैगा आ, उहदे खिलाफ़ असी अज उतरे हैं कि सरकार एक सेंसर बोर्ड बनावे, जिस सेंसर बोर्ड के अधीन एक बॉडी बने, हर एक गाना उस बॉडी को जावे, चैक होवे, उस तो बाद ही समाज के प्लेटफॉर्म पर आवे, ताकि एक रिस्पोंसीबल किसी नूं तां असी फड़ सकीए जाके कि भाई ये गाना आया किदां समाज दे विच। हुण अनऑर्गनाइज्ड वे दे नाल कोई भी बंदा अपना गाना लिखता है, बनाउंदा है, गाउंदा है, अपने घर ही स्टूडियो बना के पेश करके चाढ़ दिंदा है यूट्यूब दे उपर, उच की बोलिया गया, की गाया गया, बच्चे बच्चे की सुन रहे हैं, किसी का कोई लेना देना ही है उस चीज़ के नाल, ये चीज़ साड़ी मंग है। सर मैं गल करांगा जिदा कि हुण भगवंत मान ने भी एक जो है कि CM ऑफ पंजाब ने एक ऐलान किया गन कल्चर नूं लैके, उन्होंने भी एक रूल बनाया कि हुण कोई प्रमोट नहीं करेगा, उसनों किस तरह देखते हो? ये बहुत अच्छा कदम है जी, असी इहदी शलाघा करते हैं। कोई भी सरकार, सरकारी संस्था, गैर सरकारी संस्था अगर इस चीज़ को लेके सक्रिय काम करती है कि जी आप गाणियां बंद करावे, साडा पूरे यूथ का उहदे नाल समर्थन होएगा। सर गल की जाए, तुम कर रहे हो गाणियां दी गल, OTT प्लेटफॉर्म नहीं है जिते कि फुल न्यूडिटी दिखाई जाती है, मतलब कि गालों का भी प्रयोग किया जाता बहुत ही वलगर जिन्हों कह दें ही वो भी चलता, उसनों किस तरह देखते हो? OTT प्लेटफॉर्म भी ने क्योंकि हुण सेंसर बोर्ड बनया, मूवीज़ आदि उत्ते सेंसर बोर्ड है गाणियां ते, पर OTT प्लेटफॉर्म का की सोचते हो? वो कहते होंगे भाजी एक कहावत है पंजाबी दी, अपनी पीढ़ी थले पहला सोटा मारीे, अपने घर तो सफाई शुरू करिए। असी पहला अपने घर जिथे असी पंजाब दे वसनीक हैं, सारे इत्थों दे हैं, असी सोचा कि पहला इत्थे अपना जिहड़ा गंद पै रहा है पंजाबी गाणे दे विच उह सफाई करिए, उस तो बाद असी रुख अगला जिहड़ा आ उह बॉलीवुड वल नूं करना हैगा, पर पहला अपना घर तां कुछ संभाले। फिर दूसरी चीज़ जिहड़ी OTT प्लेटफॉर्म दी तुसीं गल कीती, इह भी साडा अज तुसीं देखोगे बैनरां दे विच लिखिया होया आ कि 1952 दे विच जिहड़ा सेंसर बोर्ड बनाया गया सी सेंटर सरकार वल्लों, ओ सेंसर बोर्ड दे अधीन सिर्फ फिल्मां ही आउंदियां आ, ना गाने आउंदे आ, ना वैबसाइट्स आउंदियां, ना वैब सीरीज़ आउंदियां, ना OTT प्लेटफॉर्म्स आउंदे। असी उसी सेंसर बोर्ड दी एक सेंटर सरकार तो भी मंग करदे जिहदे विच व्यापक तौर पर हर वैबसाइट,
हर वैब सीरीज़ हर ओ टी टी प्लेटफॉर्म भी आना चाहिए हैगा आ, बट वो टीचा जोड़ा सेंटर सरकार तक लैके जाना जोड़ा काम हैगा आ, वो असी बॉलीवुड की जी आवाज़ वो खिलाफ़ बुलंद करनी है, वो साड़ा नैक्सट टीचा वो भी हैगा ये भी असी लिखिया उन्होंने लिया हुआ है। गल की जाए पंजाब दे विच जो है कि एक टीनेजर जी आप गल कर ली जे बच्चे ने या लड़का है लड़की है वो बहुत मतलब कि वध इन्हां तो इंस्पायर होंगे ने मतलब कि कॉलेजों में जो अच्छा गल की कॉलेज एक कह सकते आशकी का एक एरिया बन के रह गया तो बाद चो जो है कुड़ियों उत्ते जो है बड़े होंगे या जो कह सकते रेप होंगे ने या कुछ भी होंगे वा तो की देखते हो कि कॉलेजों में भी कुछ इदा का प्रोजेक्ट जो है दिखाना चाहिए सरकार को कि लोग जो पढ़न जाते पढ़न ही जान ना कि ये सारे काम कर। असी तो खुद भाजी बड़े हैरान होंगे है क्योंकि चलो थोड़ी भी एज आई थिंक 30+ होनी है कि आप जिस दौर जवान होए हैं टीनेजर होए से असी वो दौर इदा का नहीं सीगा। लगभग 15 साल के अज देखो कि यूथ कॉलेजों के यूथ फैसटिवल के नाम से सरेआम भड़काऊ तो लच्चर गाने बदमाशी वाले गाने चल रहे होंगे कि असी अपने इंस्टीट्यूट्स के एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स के अलाउ कर रहे हैं। बड़ी हैरानी वाली गल है कि यूनीवर्सिटियां कॉलेजों के यूथ फैसटिवल के नाम से तुम लच्चर और गंदी गायकी जी प्रमोट कर रहे हो। बिल्कुल एजुकेशनल इंस्टीट्यूट नूं भी असीं रिक्वेस्ट करते हैं उन्होंने मोतबर रिक्वेस्ट करते हैं बंद होना चाहिए। यूथ फैसटिवल नूं यूथ नूं आइडियल्स दिओ, उन्होंने दसो साडा विरसा की है, साडे पंजाब दा इतिहास की, साडे देश दा इतिहास की है, भगत सिंह कौन सीगा, करतार सिंह सराभा कौन सीगा, इन्हां दीआं कुरबानियां की सीगियां। यूथ फैसटिवल यूथ नूं गाइड करन लई होणा चाहीदा ना कि मिसगाइड करन दे लई। सानूं पता लग्गा कि पिछे एक 2013 च तुहाडे लोहानी सिंह उत्ते वी कीता गया, उह की सीगा सारा मामला? असी देखिए जिले ये नवीं नवीं लच्चर गायकी शुरू हुई है पंजाब दे विच, रीत शुरू हुई है, आपां पहले सिंगरां जो जे गल करिए तो हनी सिंह का नाम बजदा इस चीज़ के विच। शुरू शुरू च उन्हें रेप नूं प्रमोट करन ते गाना गा दिता। उस वेले 2013 च पटियाले दीआं सड़कां ते बहुत बड़ा कट करके असी उतरे सीगे और हनी सिंह दे पुतले भी असी साड़े सीगे, उन्हां दे खिलाफ़ असी केस भी दर्ज कराए सीगे जिहदे करके उन्हां दी पेशियां भी होईयां हैगियां कोर्टां दे विच हनी सिंह दीआं। पर आपां ये गल इत्थे कहना चाहवांगे कि हनी सिंह दा परमात्मा वालों ही उस तो बाद काम बिल्कुल ठप हो गया, उदा बिल्कुल ही काम अजकल चलता नहीं है, पर होर नवे खड़े हो गए उसकी जगह, तो इस करके सानू लग्या कि भाई ये जिहड़े होर खड़े हुए हैं इन्हां दे खिलाफ़ भी सानू उतरना ही पएगा। पर हुण एक एक नूं टारगेट करके गल बननी नहीं हैगी किनू तुसीं रोकोगे किनू तुसीं समझाओगे। एक सेंसर बोर्ड जे बन जाए सारे गाणियां नूं उहदे विच्चों गुजरना पै जाए तो फिर अपने आप ही सारा मसला हल हो जाना। सर आखिरी सवाल है मेरा, सिद्धू मूसेवाले का जो गल की जाए बहुत वड्डा एक नाम रहा हूँ इस दुनिया से नहीं है पर लोग बहुत फॉलो करते हो भी कितना कितने गन की गल करते रहते थे उस किस तरह देखते हो लोग उन्होंने भी फॉलो करते पर हूँ जो उन्होंने जो मौत हुई है वह भी इस गन करके ही हुई है कि मानते हो कि एक जो सिंगर ने लोग फॉलो करते हैं पर गलत है इंस्पीरेशन भी हो जाती कितने ना कि उन्होंने फेमस होंगे ने पर गलत इंस्पीरेशन लोग प्रभाव हो जाते उन्होंने बच्चे जो टीनेजर गल की जाए। मैं कहना सब तो बड़ी एग्जाम्पल मेरे ख्याल पंजाब दे विच जे कोई हैगी है कि गन वायलेंस दे नाल किड्डा नुकसान हो सकता है तो सिद्धू मूसेवाला ही है। तुसी देखो गैंगस्टर वाद के खिलाफ असी अज उतरे हैं, गैंगस्टर कल्चर के खिलाफ उतरे हैं, तो सिद्धू मूसेवाला जी का आप शिकार हो गए इस चीज़ के। मैं यही तो कहना चाह रहा कि सर पता नहीं ये अग अपने घर कद आ जानी हैगी है, साढ़े बच्चों कद अटैक हो जाना है। तुम देखो पंजाब दे विच बिजनेसमैन पलायन कर रहे असं खबर सुन रहे हैं हूँ कि तो डर रहा, वो गैंगस्टर तो डर रहा, फरौतियों तो डर रहा है, उन्होंने बचाने वास्ते साडा पंजाब आबाद रवे, साडे पंजाब च व्यापार बनिया रवे, सानू ये गैंगस्टरवाद का कल्चर बंद करवाना पएगा, गैंगस्टरवाद के गाने बंद करवाने पैणगे। इस दे नाल नाल जिहड़ी मैं दूजी गल कर रहा सीगा लच्चर गायकी भी बंद करवानी पएगी, धीआं भैणां दे रेप इन्हां करके हो रहे हैगे। अज दा रूट की रहेगा? अज पूरे अमृतसर दे विच डेजिग्नेटेड रूट है तुहाडे नाल, असीं सांझा भी कर देंगे पूरा घूम के वापसी, असीं इत्थे ही अमृतसर दे विच फेरी कढ के असी वापस कंपनी बाग च ही आ जाना है। जी जिस तरह की तुसी सुनिया वा कि अज जो है पहले तुहानूं लाइव तस्वीरां असीं दिखानी चाहवांगे जिस दे विच जो है कि किन्ने लोग ने जो कि वड्डी गिनती दे विच जो ने अज इत्थे इकट्ठे होए ने कंपनी बाग विखे सारे ही नौजवान ने जिते कि जो है कि अज एक सेंसर बोर्ड की जिते कि मंग की जा रही है उसनों लैके जो है कि अज एक रैली कढ़ी जा रही जिस दे विच एक गाने की गल की जाए क्योंकि बहुत ही एक कह सकते हैं कि वल्गर गाने भी निकलते जिस दे विच गन कल्चर को ज़्यादा प्रमोट किया जाता है, लड़किया की गल की जाती है, पर कितना कितने कुछ लोग ने जो कि ये चीज़ा जो अगे आए हैं कि इसनों खत्म करना चाहते हैं कि सेंसर बोर्ड की मंग करते हैं कि सेंसर बोर्ड होना चाहिए कि जिस करके जो है कि गाने सारा चैक करके फिर ही अपलोड किया जाए क्योंकि जो है कि बहुत लोग ने जो कि इस तो इंस्पायर हो जाते हैं
ਤਬਾਹ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਟੀਨੇਜਰਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ ਉਹ ਜੋ ਨੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਜੋ ਹੈ ਕਿ ਇੰਪੈਕਟ ਜੋ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਪੈਂਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਹੈ ਕਿ ਰੈਲੀ ਕੱਢੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ, ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ਉੱਤੇ ਅੱਜ ਜੋ ਰੈਲੀ ਕੱਢੀ ਜਾਏਗੀ, ਕੰਪਨੀ ਬਾਗ, ਫਿਰ ਭੰਡਾਰੀ ਪੁਲ, ਭੰਡਾਰੀ ਪੁਲ ਤੋਂ ਫਿਰ ਰਣਜੀਤ ਐਵਨਿਊ, ਰਣਜੀਤ ਐਵਨਿਊ ਤੋਂ ਫਿਰ ਹੁੰਦਿਆਂ ਡੀਸੀ ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ ਹੁੰਦਿਆਂ ਜੋ ਹੈ ਕਿ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਇੱਥੇ ਹੀ ਜਾ ਕੇ ਖਤਮ ਹੋਏਗੀ। ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਆਵਾਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਕੀ ਗਈ, ਇੱਕ ਸੈਂਸਰ ਬੋਰਡ ਮੇਨ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਹੈ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਹੋਏਗਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜੋ ਹੈ ਮੰਨਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ। ਵਨਸਿਪ ਸੇ ਕਵਰ D5 ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ। ਹੋਏਗੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ, ਨਵੀਂ ਖੇਤੀ ਮਸ਼ੀਨਾਂ, ਬੀਜਾਂ ਤੇ ਬਾਗਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਾਂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੰਗਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਵੱਲ। ਦੇਖਣਾ ਨਾ ਭੁੱਲਣਾ ਸਾਡਾ ਖਾਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਫਾਰਮਿੰਗ ਵਿਦ ਅਮਰਜੀਤ ਵੜੈਚ, ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਸਵੇਰੇ 7:30 D5 ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ। ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਮ੍ਹਾਂਬੰਦੀ, ਕਿਵੇਂ ਬਣਦੀ ਹੈ ਵਸੀਅਤ, ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਹਰ ਮਸਲੇ ਤੇ ਕਰਾਂਗੇ ਚਰਚਾ। ਦੇਖਣਾ ਨਾ ਭੁੱਲਣਾ ਸਾਡਾ ਖਾਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ .com D5 ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਹੁਣੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ, ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ।